आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में ऑडियो बुलेटिन। नमस्कार, ये समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया है। अब आप साई न्यूज की समाचार श्रृंखला में बृहस्पतिवार 31 मार्च 2022 का प्रादेशिक ऑडियो बुलेटिन सुनिए। प्रदेश के पुलिस महानिदेशक सुधीर सक्सेना ने प्रदेश के सभी जिलों के एसपी को निर्देश दिए हैं कि 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक अभियान चलाकर किराएदारों का वेरिफिकेशन कराएं। अभियान को प्रभावी बनाने के लिए ये सामुदायिक पुलिसिंग के आरडब्ल्यू, मोहल्ला समिति, नगर रक्षा समिति को शामिल कर पुलिस इनकी मदद ले। पुलिस की तरफ से मकान मालिकों से अपील कि वे स्थानीय थाने से संपर्क कर किराएदार का चरित्र सत्यापन कराएं, ताकि अराजक तत्व अवैध गतिविधि संचालित न कर सकें। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रीवा सर्किट हाउस में नाबालिग के साथ हुई दुष्कर्म की घटना को लेकर आक्रोश दिखाया। उनके आदेश के 24 घंटे के भीतर आरोपी महंत सीताराम दास के मकान को ढहा दिया गया। गुरुवार को कलेक्टर मनोज पुष्प और एसएसपी नवनीत भसीन बुलडोजर लेकर पहुंचे, जहां बाबा के मकान को ढहा दिया गया है। प्रशासन कार्रवाई के दौरान 500 मीटर में जैमर लगाया था, ताकि किसी को कानों कान खबर तक नहीं लग सके। मध्य प्रदेश में 8 अप्रैल से बिजली महंगी हो जाएगी। मप्र राज्य विद्युत नियामक आयोग ने इसका प्रस्ताव भेजा था। बिजली की दरों में 2.64% की वृद्धि होगी। आयोग के मुताबिक वित्तीय वर्ष 2022-2023 के लिए 45,971 करोड़ रुपए की आवश्यकता है। वर्तमान विद्युत दर टैरिफ में राजस्व अंतर की राशि रुपए 1181 करोड़ रुपए के अंतर की भरपाई के लिए ये वृद्धि की है। घरेलू उपभोक्ताओं पर सबसे अधिक मार पड़ेगी। उनकी 8 पैसे से लेकर 12 पैसे प्रति यूनिट बढ़ोतरी हुई है। फिक्स चार्ज 5 रुपए से लेकर 12 रुपए तक बढ़े हैं। सबसे अधिक मिडिल क्लास पर भार पड़े, जो वर्ग 50 से लेकर 150 यूनिट खर्च करता है, उसका सबसे अधिक बढ़ा है। प्रदेश में शराबबंदी को लेकर पूर्व सीएम उमा भारती आवाज बुलंद कर रही हैं। शराब ठेके पर पहुंचकर पत्थर से बोतल फोड़ रही हैं, लेकिन राजगढ़ जिले में शराब को लेकर कुछ और ही हो रहा है। यहां शराब के रेट में कमी का खुलेआम प्रचार हो रहा है। शराब पीने को लेकर बने फिल्मी गानों को बजाते हुए माइक से अनाउंसमेंट किया जा रहा है। शराबियों को खुलेआम ऑफर दिया जा रहा है। शराब ठेकेदारों ने साप्ताहिक हाट में बुधवार रेट में भारी कमी की उद्घोषणा करवाई। इस अनाउंसमेंट के बाद शराब दुकानों की ओर कई लोगों ने रुख किया। शराब दुकान की खिड़की पर भी एक बड़ा पोस्टर लगाया गया है, जिसमें लिखा है भाव में भारी कमी। ये समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया है। आप सुन रहे हैं साई न्यूज की समाचार श्रृंखला में बृहस्पतिवार 31 मार्च 2022 का प्रादेशिक ऑडियो बुलेटिन। प्रदेश के रीवा में आयोजित एक कार्यक्रम में कव्वाल नवाज शरीफ ने कहा कि अगर गरीब नवाज चाहे तो हिंदुस्तान का पता ही नहीं चलेगा। बता दें कि नवाज शरीफ ने जिस वक्त यह बात कही, उस दौरान कव्वाली कार्यक्रम में मंगवा विधायक पंचूलाल प्रजापति सहित अन्य क्षेत्रीय नेता भी मौजूद थे। दरअसल मध्य प्रदेश के रीवा में मंगवा कस्बे में उर्स का आयोजन किया गया था। इसमें आयोजित कव्वाली के कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश से गए कव्वाल नवाज शरीफ ने तमाम भाजपा नेताओं की मौजूदगी में कहा, मोदी जी कहते हैं कि हम हैं, योगी जी और अमित शाह कहते हैं कि हम हैं, मगर है कौन? अगर गरीब नवाज चाह ले तो हिंदुस्तान का पता ही नहीं चलेगा कि कहां पर बसा था, कहां पर था। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में बृहस्पतिवार मंत्रालय में मंत्री परिषद की बैठक हुई। मंत्री परिषद ने प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में लोक परिवहन सेवा उपलब्ध कराने के लिए प्रस्तावित RTC मॉडल को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में विदिशा जिले में 1 मई 2022 से 6 माह तक के लिए क्रियान्वित करने तथा मॉडल के अंतर्गत संचालित होने वाले वाहनों के लिए संबंधित अधिनियम एवं नियमों में शिथिलता देने का अनुमोदन दिया। मध्य प्रदेश मोटरयान नियम 1994 के नियम 116 का के उपनियम 3 में शिथिलता प्रदान करते हुए ग्रामीण मार्ग पर 7:1 से 20:1 बैठक क्षमता के वाहनों का संचालन ग्रामीण परिवहन सेवा के लिए संचालित वाहनों पर मध्य प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम 1991 में देय मासिक मोटरयान कर में पूर्णतः छूट और ग्रामीण परिवहन सेवा के रूप में निरंतर 6 माह तक संचालित वाहनों के संचालकों द्वारा अर्जित किए गए रूरल ट्रांसपोर्ट क्रेडिट RTC के विरुद्ध निर्धारित मूल्यानुसार प्रोत्साहन राशि का आगामी 6 माह में वाहन संचालक को प्रदाय किया जाना शामिल है। इस संबंध में सभी कार्यवाही परिवहन विभाग द्वारा की जाएगी। प्रदेश में लाडली लक्ष्मी योजना का सफल क्रियान्वयन किया जा रहा है। योजना में अब तक लगभग 43 लाख बेटियों को लाभान्वित किया गया है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने इस योजना का दायरा बढ़ाने का निर्णय लिया है।
योजना के दूसरे चरण की शुरुआत 2 मई से की जाकर 11 मई तक लाडली लक्ष्मी उत्सव मनाया जाएगा। उत्सव के आयोजन की रणनीति एवं रूपरेखा तैयार करने के लिए गुरुवार को मंत्रालय में तकनीकी शिक्षा कौशल विकास एवं रोजगार मंत्री श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया और संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री सुश्री उषा ठाकुर की उपस्थिति में मंत्री समूह समिति की बैठक हुई। भाजपा बड़े पैमाने पर स्थापना दिवस मनाने जा रही है। 6 अप्रैल को पूरे प्रदेश में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे जो 14 अप्रैल तक चलेंगे। प्रदेश भर में भाजपा कार्यकर्ता पैदल मार्च करेंगे, वहीं रक्तदान शिविर, स्वास्थ्य शिविर, पोषण और टीकाकरण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसी दिन पीएम मोदी भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। इधर कार्यकर्ताओं से अपील की जा रही है कि हर जिले में नए तालाब बनाने के सरकार के संकल्प में सहयोग करें। ये समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया है। आप सुन रहे हैं साई न्यूज की समाचार श्रृंखला में बृहस्पतिवार 31 मार्च 2022 का प्रादेशिक ऑडियो बुलेटिन। 2 साल से बाबा बर्फानी के दर्शनों के लिए इंतजार कर रहे भक्तों के लिए बड़ी खबर है। बाबा अमरनाथ यात्रा के लिए तारीखों का ऐलान हो गया है। 2 साल से कोरोना महामारी के चलते इस यात्रा को स्थगित कर दिया गया था। अब देश प्रदेश में कोरोना के मरीजों की संख्या कम होने के बाद इस बार अमरनाथ यात्रा को भी मंजूरी मिल गई है। जम्मू कश्मीर उपराज्यपाल कार्यालय ने बताया है कि इस बार अमरनाथ यात्रा 30 जून 2022 से शुरू होगी। यात्रा सभी कोविड प्रोटोकॉल के साथ शुरू होगी। अमरनाथ यात्रा की परंपरा के अनुसार यात्रा का समापन रक्षाबंधन के दिन होता है। साल 2022 में अमरनाथ यात्रा 43 दिनों तक चलेगी। जबलपुर जिले से एक और केंद्रीय कार्यालय स्थानांतरित होने जा रहा है। मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ के क्षेत्रीय जैविक प्राकृतिक खेती केंद्र को केंद्र सरकार द्वारा नागपुर स्थित केंद्र में समाहित किया जा रहा है। केंद्र को स्थानांतरित करने के अधिकृत आदेश आ गए हैं। अगले 3 में यह केंद्र नागपुर में स्थानांतरित हो जाएगा। इसके पीछे कारण यह बताया जा रहा है कि 30 साल से संचालित इस कार्यालय को जैविक खेती का प्रशिक्षण देने के लिए राज्य सरकार द्वारा जमीन उपलब्ध नहीं कराई जा सकी। केंद्र सरकार द्वारा जैविक खेती को प्रोत्साहित करने व खेती में रसायनों के प्रयोग को कम करने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ का मुख्यालय जबलपुर में प्रारंभ किया था। यहां जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय खरपतवार अनुसंधान जैसे प्रमुख कार्यालय होने के चले इसे यहां शुरू किया गया था। अयोध्या की तर्ज पर धार्मिक नगरी ओरछा में रामनवमी के दिन रामलला के जन्मोत्सव पर बेतवा के घाटों को 5 लाख दीपों से सजाया जाएगा। जिला प्रशासन ने इसकी तैयारियां शुरू कर दी है। ओरछा में रामनवमी पर भव्य दीपोत्सव मनाया जाना है। इसके अलावा मंदिर में भगवान की जन्म आरती और बधाई गीतों का आयोजन होगा। सुबह के समय भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। यूं तो श्रीराम जन्मोत्सव पूरे देश में मनाया जाता है, पर ओरछा में इसका दोहरा महत्व है। सागर, बैतूल, दमोह और सिंगरौली में नहर प्रणाली विकसित करने के लिए बांध बनने के बाद पाइप खरीदे जाने थे, लेकिन जल संसाधन विभाग के अभियंताओं ने पहले ही भुगतान कर दिया। कमलनाथ सरकार में हुई इस अनियमितता की जांच शिवराज सरकार ने आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ को सौंपी थी। इसमें प्रथम दृष्टया अनियमितता प्रमाणित पाए जाने पर प्रकोष्ठ ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम सहित अन्य धाराओं में जल संसाधन विभाग के तत्कालीन प्रमुख अभियंता राजीव कुमार सुकलीकर सहित अन्य के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया है। आप सुन रहे थे समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज की समाचार श्रृंखला में बृहस्पतिवार 31 मार्च 2022 का प्रादेशिक ऑडियो बुलेटिन। शुक्रवार 1 अप्रैल 2022 को एक बार फिर हम ऑडियो बुलेटिन लेकर हाजिर होंगे। इसके साथ ही साई न्यूज में ज्वलंत विषयों पर लिमटी की लालटेन रोजाना रात को प्राइम टाइम में 8 बजे देखना न भूलें। यदि आपको ये ऑडियो बुलेटिन पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अभी आपसे अनुमति लेते हैं। जय हिंद।